कल हमने जो इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा और उसके अंदर आपको ये पता चल चुका होगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अगर उस चैप्टर का पता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कैसे हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। अगर कोई पूछता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर है ये आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है ये आपको पता होना चाहिए। बायो में कौन कौन सा चैप्टर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप देखो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल चीज़ें से सुन के आपको नाइन्थ से ही कुछ बच्चों को बड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमने बहुत सारा एटॉमिक नंबर, मास, आइसोबार, आइसोटॉप्स, क्या क्या अदर फोर, डॉल्टन्स और थॉमसन, ये सब पढ़ रखा है हमने, है ना। अब यहाँ पे उनकी मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है कि भाई कम से कम आपको जो जानना चाहिए वो एटॉमिक नंबर के बारे में। जो एटॉमिक नंबर का लिस्ट है आपके पास 20, वो एटॉमिक नंबर का लिस्ट आपको जरूर याद होना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके जो आपने याद किया था वो एक बार रिवाइज करके कॉपी पे 3 बार लिख लेना। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 3 बार आप लिखोगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन के जो जो भी एटम है उसके वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसान होगा, जिससे कि रिएक्शन को समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं आपको याद कराऊंगा साथ के साथ, ठीक है ना, डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या है चैप्टर के अंदर। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय अनदर कंपाउंड, मतलब केमिकल कंपाउंड का फॉर्म होना किसी दूसरे कंपाउंड के थ्रू, ये चीज केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो उसको केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ओ टू मिलके एमजीओ बन जाता है, ठीक है ना, एमजीओ बन जाता है। तो ये हमारा एक सबस्टांस है और इसमें कुछ दूसरे सब्सटेंस के मिलने के बाद ये बन गया कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है यही बनने का ये केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को बनाने के बाद बात आती है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो होती है बैलेंसिंग, ठीक है ना। उसको सीखना जरूरी है, क्वेश्चन वहां से पूछेगा, कभी ये नहीं पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बट जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल सबस्टांस के मिलने से जो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बचपन में ही पढ़ चुके थे फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये कोई नई बातें नहीं है आपके लिए। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि पहले वाले कंपाउंड का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ H2+O2, ये बनता है H2O, जिसके अंदर ना हाइड्रोजन का गुण आपको पता चलेगा ना ही ऑक्सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा, वो एक अलग सा कंपाउंड ही बन जाता है, तभी तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर आप फिजिकल रिएक्शन की बात करते, जैसे मान लो पानी है उसके अंदर हमने सॉल्ट मिला दिया और इसके बाद पियेंगे तो हमें वाटर को भी पता चलेगा और सॉल्ट के बारे में पता चलेगा, है ना। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर आता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो पहला बात तो हमने आपको बता ही दिया कि एक अलग सा कंपाउंड पता चलेगा, एक अलग सा कंपाउंड आ जाता है जिसमें पहले वाले का कोई गुण नहीं होता है। तो हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें होगा क्या कि चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टांस, जो सबस्टांस है उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे H2 है, ये आपके पास एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन दोनों मिला के जो H2O है लिक्विड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके स्टेट चेंज हो गया, गैस से लिक्विड में आ गया। तो इस तरह से जो भी केमिकल कंपाउंड होगा उसका स्टेट चेंज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर ऑफ द सबस्टांस। दूसरी बात आप क्या देखोगे कि जो सबस्टांस है उसके कलर चेंज हो जाएंगे, हो सकता है। ये तो फिजिकल में भी होता है, बट केमिकल के अंदर आप देखोगे कि इन चीजों को देखने का मिलेगा। इक्वेशन ना इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, जब हम कोई कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कुछ गैस प्रोड्यूस होता है, या कभी कभी हमें गैस देने की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें एनर्जी देने की जरूरत होती है रिएक्शन के अंदर। तो जब एनर्जी देने की जरूरत होगा या एनर्जी लेने की जरूरत होगा और वहां से जो नया कंपाउंड बनेंगे, तो समझ जाना कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो करेगी कौन कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कि इट इज हैपन। तो वो कैरेक्टर क्या है भाई, 4-5 कैरेक्टर है। स्टेट चेंज हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो जाएगा, कलर का चेंजेस हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाएगा। इन तरह की चीज अगर आप देखेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर जहां पे आप रिएक्शन करा रहे हो, तो समझ जाना कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। अब आता है सर हमने तो केमिकल रिएक्शन करा लिया,
लेकिन केमिकल रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या क्या और चीजें देखने होते हैं? तो सबसे पहला जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैलेंसिंग इक्वेशन का पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन का हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस का जरूरी क्यों है? आप क्वेश्चन आएगा ना कि सर रिएक्शन की बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है, तो ये नीड आपने 9th क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या कैरेक्टरिस्टिक था? एक तो था मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा प्रोपोर्शनलिटी रूल्स, है ना, दोनों तरफ का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी सेम होता है। आप अगर देखोगे कि जैसे मैं भी बताता हूँ, उन दो कारणों से केमिकल बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये साथ के साथ आप लिखते चलेंगे तो आपको आसान हुआ। पहले ना इसके पढ़ने के रूल से कि आप बुक्स भी निकालोगे, बुक्स के सामने आप अपना कॉपी लेकर और चीज लिखते जाओ, फिर बाद में एनालाइज करो कि इनके बारे में हमने समझा है क्या, समझा नहीं समझा। मैंने एक चीज बोला आपको कि जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, अब ये बनता है MgO। अब इसकी बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने पढ़ा था मास ऑलवेज कंजर्व होता है, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है पॉइंट्स लिख लेना, इधर से कुछ पॉइंट्स अगर हमने मिस कर दिया लिखने का, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप रफ में समझने के बाद खुद अपनी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है उसको लिखते चलेंगे आप, ठीक है ना, जिससे आपको आसान हो जाए कि आप उसको अपनी तरीके से डिफाइन कर पाओगे। क्लियर है? तो अभी आया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO, मैंने तो रिएक्शन लिख दिया। अब ये रिएक्शन हमने पहले से भी पढ़ा है कि सर मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो लो भाई इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, और ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है। अब भाई हम तो रिएक्शन करा रहे हैं ऐसे, ये 2-2 से कैंसिल हो गया तो 1-1 बच गया, और ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि MgO बनेगा, उस केस में हमने MgO बना दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर MgO2 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसको पता है कि यार दोनों मिल गया तो ये बन गया, लेकिन ये नहीं होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, वैलेंसी के बेस पे रिएक्शन बनता है। लेकिन वहां पे अब आता है कि इस ऑक्सीजन के 2 मतलब एटम से कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मास कंजर्व होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब चलिए मास निकाल के देखते हैं कि मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या इसका मास कहीं खत्म तो नहीं हो गया, चेंज तो नहीं हो गया, इस वजह से हमें बैलेंसिंग की नीड पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम को निकालते हैं तो देखो इसका मास लगभग 24 है आपके पास, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 × 2, ठीक है ना, तो 24 + 32, 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, 56 आ रहा है, और इस साइड में आपका जो मैग्नीशियम है वो आपका आ गया 24 + 16, 6 × 4 = 10, 2 × 3 = 40 आ रहा है। देखो ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि मास कंजर्व होना चाहिए, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा रॉन्ग आएगा। उस केस के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? उस केस के लिए आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का तो रूल्स हम बताएंगे, अभी जो आप सीखेंगे वो हीट एंड ट्रायल ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो हीट एंड ट्रायल से क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इस ऑक्सीजन को हमें 2 करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा, पीछे कभी भी 2 नहीं लगाओगे, नहीं तो वही इलिटरेट टाइप बच्चे जो होते हैं जो जिनको नहीं पता वो सीधा लगा देते, तो गलत है। अब 2 mg लगाने से यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 mg लगा दो। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इसमें MgO का तो हमने निकाला था, इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, तो ये बन गया 80। और यहाँ देखिए क्या चेंजेज आता है, इसकी चेंजेस देखते हैं, 2 × 24 + 32, ये हो गया 48 + 32, व्हाट इज द आंसर, 80। देखो यहाँ पे 80 क्या है, मास कंजर्व है कि नहीं है, तो इस कारण से हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। और इसको हम प्रोपोर्शन मतलब रेशियो ऑलवेज प्रोपोर्शन होता है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन आएगा, चाहे आप कितना भी मात्रा में ऑक्सीजन रख दो और कितने मात्रा में ऑक्सीजन मैग्नीशियम रख दो, उसके बनने का जो रेशियो है सेम आता है, जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बैलेंसिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। तो आप बोलना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, है ना, इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब जो होता है ऑलवेज, चाहे 10 बार आप बनाओगे उसका प्रोपोर्शनल सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने H2 + O2 ले लिया और ये बन गया H2O,
आप कहोगे सर इसका बैलेंस करके दिखाओ, लो भाई हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, छेड़ो मत, ऑक्सीजन यहाँ कितना है टू, तो ये दिख गया यहाँ पे वन है, इसको आगे लगाया, अब फिर हाइड्रोजन चेंज हो गया, चार हो गया ना हाइड्रोजन, इसमें हमने हाइड्रोजन लगा दिया टू, अब हमारे पास ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, दोनों तरफ सेम मास है क्योंकि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आती है बात कि सर इसका प्रोपोर्शन देखते हैं, रेशियो देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 × 1 × 2 ये निकालने का तरीका है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया ये 4, ऑक्सीजन हो गया आपके पास 32 क्योंकि 16 × 2 एक एटम का 16 होता है मास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो हमारा मास के अकॉर्डिंग तो सेम ही बात आपको पता है, 1 × 2 + 16 और 16 + 2 = 18 × 36 दोनों तरफ मास कंजर्व है, लेकिन रेशियो 4। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो रिएक्शन हमारा दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड के पास जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एलिमेंट होंगे, जो कंपाउंड होंगे, वो आपका रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट के बारे में लिख लेना साइड में, रिएक्टेंट द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन केमिकल सबस्टांस, मतलब केमिकल सबस्टांस को बनाने में जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, द सबस्टांस विच फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन जो सबस्टांस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपने लिख लिया, इसके बाद जो हेडिंग देंगे वो आप देंगे बैलेंसिंग इक्वेशन का, ठीक है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने कुछ रिएक्शन के बारे में देखना है और वो रिएक्शन आप बैलेंस करके दिखाओगे मुझे, मेरे साथ ही बैलेंस करोगे, ठीक है ना। तो जरा बैलेंस कीजिए केमिकल रिएक्शन, पहला रिएक्शन तो आपको जो हम दे रहे हैं वो देखिए, ये लिख लेंगे, ठीक है ना, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, बताइए पहला रिएक्शन आपके पास है H2 + O2, क्या बनेगा बताइए, H2O, बैलेंस करो, कैसे करोगे, बैलेंस करने का नियम बहुत जगह पे क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मेट बनाता है लोग, LHS में भाई H है, ये O है, फिर दूसरे तरफ H है O है, ये LHS का या रिएक्टेंट साइड का या प्रोडक्ट साइड का, हमें ये नहीं करना है, ये करते करते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन आप बैलेंस नहीं करेंगे, बंदरवाट वाला कहानी हो जाता है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, ये कम करते रह जाओगे। आप सीधा जस्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, आप देखो कि मेन कंपाउंड को पहले रिएक्टेंट के अंदर देखो कि हमारा जो ये कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन है जो एलिमेंट H2, ये कितने यहाँ पे दो, यहाँ भी दो है, इसको छोड़ो, दूसरे पे जाओ ऑक्सीजन यहाँ कितना है दो, यहाँ कितना है वन, हमेशा याद रखना पीछे चीज़ें नहीं अटैच होता, हमेशा इसको बैलेंस करने के लिए आगे ही जो डालना है आप डालेंगे। अब बताओ ऑक्सीजन कितने हैं दो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं दो, बट हाइड्रोजन पे क्या इफेक्ट आ गया, हाइड्रोजन यहाँ कितना है फोर, इधर हाइड्रोजन कितना है दो, तो हम इसको फोर करने के लिए क्या करेंगे आगे टू लगा दिया, समझ गए बात को। इसको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 4H लिख देना, 2 यहाँ से हटा देना, ये बिल्कुल नहीं करना है, जो पहले का इनिशियल कंपाउंड है जो पार्टिसिपेट किया है उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये अपने कंपाउंड का जो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो आपने देखा था कि हाइड्रोजन अकेला H के फॉर्मेट में नहीं रहता, ऑक्सीजन अकेला O के फॉर्मेट में नहीं रहता, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैस और ऑक्सीजन अपने आप को कोवेलेंट कंपाउंड बना के अपने आपस में बॉन्ड बना लेता है कि स्टेबल के लिए, हाइड्रोजन भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए H2 के फॉर्मेट में होता है हमेशा। तो ये कभी भी नहीं कहना कि सर हम हाइड्रोजन अगर बैलेंसिंग हाइड्रोजन का अगर H है तो ये H ही क्यों नहीं रहता, बिकॉज हाइड्रोजन एक वन एलिमेंट है और हाइड्रोजन गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए ये हाइड्रोजन आपस में ये बॉन्ड बनाता था, पढ़े होंगे आप, तो ये स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन अपने आप में बॉन्ड बना के वो स्टेबल हो गया, ताकि इस इन्वायरमेंट में कोई इसको इधर से उधर नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसको जिसके से मन होगा वो अपना रिएक्शन करेगा। तत्काल इसको कुछ नहीं मिला था, ये आपस में रिएक्शन कर लिया था, इसके ऊपर भी हम एक दिन एक वीडियो बना के दिखाएंगे आपको कि कैसे बैलेंसिंग पूरा थोड़ा 9th के कॉन्सेप्ट को याद करा देंगे, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन कर चुके हैं, चलिए दूसरा रिएक्शन लिखिए, मान लो मैंने बोला CaO + H2O, क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा आपका CaOH2, अब बताइए बैलेंस है रिएक्शन या नहीं है, देख रहे हैं कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ कैल्शियम कितना है एक, यहाँ हाइड्रोजन कितना है दो,
यहाँ हाइड्रोजन कितना है? दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है। जो बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ रखा जाता है ना इस ब्रैकेट में, ये बाहर की चीज़ों से एनालाइज होता है। यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, इसको दो करने के लिए यहाँ पे आपने लगाया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? चार। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ठीक है ना, इसके अंदर आप देखोगे कि रिएक्शन में कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, H2O H2O। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करने के लिए अगर हमने यहाँ लगा दिया, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये लगा दिया दो, तो दो लगाने से क्या, नहीं ये तो बैलेंस ही है रिएक्शन, आई थिंक बैलेंस है भाई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, दो, क्लियर है, बैलेंस है रिएक्शन। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए आप यही रिएक्शन करके दिखा, कौन सा करोगे? ये बड़ा चेक करो, FeSO4 को हीट करेंगे, बन गया आपके पास Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ट्राई करके देखिए इसको, फेरस सल्फेट हीटेड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बताओ कैसे करोगे? यहाँ सल्फर कितना है इस साइड में? दो। आयरन यहाँ कितना है? दो। आयरन से ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ दो है, तो इसमें टू लगाओ, हीट एंड ट्रायल है ना, टू लगा के देखिए, Fe हो गया। अब सल्फर यहाँ पे दो है, यहाँ भी सल्फर दो है, बिल्कुल सही है। यहाँ ऑक्सीजन तीन, तीन छः और दो आठ, यहाँ भी ऑक्सीजन आठ, तो ये बैलेंस हो गया। इस तरह से अगर आप हीट एंड ट्रायल पहले सारे एलिमेंट को देखो कि क्या उसके एटम इधर जितने हैं उस साइड में भी उतने हैं कि नहीं हैं, अगर है तो आप उनको रख के देखो कि भाई ये रखने से हमें क्या होता है, पहले मन में कर लो या रफ में लिख के करो, फिर देखो कि बराबर हो गया, फिर उसको पुट कर दो और फाइनल रिएक्शन फिर लिख दीजिए कि ये बैलेंस हो गया। क्लियर है? ट्राई करोगे एक और रिएक्शन, आपके पास NCERT में जरा देखो कि जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें होंगे रिएक्शन, ठीक है? केमिकल रिएक्शन को आप ट्राई करेंगे पहले, ठीक है? आप हीट एंड ट्रायल कीजिए, इनको कॉपी पे जैसे करते हैं ना नॉर्मली, आप डेफिनेटली कर पाओगे। और मेरे ख्याल से इसको करने के बाद आपको मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे सेंड करने हैं, और आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कितने नहीं आते हैं। अगर नहीं करते तो इसका, इस जो क्वेश्चन का हम आंसर इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको कर लो, करने के बाद देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं, ठीक है ना। आसान से हो सकता है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो छोटा सा क्वेश्चन देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन है, CaCO2CO है, बैलेंस करने के लिए कैल्शियम को देखा, भैया बैलेंस, ओके वेरी गुड। ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे दो है और यहाँ पे कार्बन एक है, तो इस साइड में तीन कार्बन है, तो हमें इधर थ्री कार्बन करने हैं, तो सीधा इधर थ्री अटैच कर देंगे। इस तरह से आप पहले देखो तो सही, और देखने के बाद अगर आपसे हो जाता है तो गुड, नहीं होता है तब भी वेरी गुड। कारण क्या है? आपने ट्राई तो करा, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, कॉपी के अंदर ट्राई करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो आता है बैलेंस करने का, और ये आपको आना चाहिए। इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ 15 रिएक्शन हमें लर्न करने हैं, समझने के बाद रट लेने हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं 15 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा और उस 15 क्वेश्चन को मेरे साथ अगर आप लर्न करते हैं 15 इक्वेशंस को, तो देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप डेफिनेटली कर पाओगे, चाहे वो किसी भी टाइप के रिएक्शन का हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बैलेंसिंग इक्वेशन को करके आपको दिखाएंगे सामने में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन इस साइड में है, ये आपके NCERT में बैलेंस द इक्वेशन करके दिया हुआ है, बैक साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप ट्राई करेंगे, और ये दोनों ट्राई करके मुझे आप बताइए, नहीं तो मैं आपको इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करता हूँ। बट कॉपी पे जरूर लिख के ट्राई करेंगे, अगर ट्राई करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, अगर ट्राई नहीं करोगे, मेरा देख के सिर्फ करोगे तो बढ़िया बात नहीं है, पहले ट्राई करो, गलत ट्राई करो कोई बात नहीं है, लेकिन करो जरूर, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।